नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के फिटनेस के बारे में है। ये कोई राजकीय विश्लेषण नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी के जो फिटनेस का जो समर्पण है उसको स्वीकारने के लिए बनाया है कि नरेंद्र मोदी जी आज भी 73 ईयर के होते हुए भी फिटनेस उनका बहुत ज़बरदस्त है। इतने देश घूमते हैं, इतनी सारी नई नई चुनौतियाँ उनके सामने आती है, तो वो कौन से ऐसी पांच चीज़ें अपनी लाइफ में इन्होंने इन्वॉल्व की है जिसकी वजह से उनका फिटनेस जो है वो इतना बेहतरीन देखने को मिलता है, और उनसे हम ये ज़रूर पांच बातें ज़रूर सीख सकते हैं, और अगर हम भी हमारे लाइफ में इसको अगर इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हमारी भी लाइफ बदलने के लिए बहुत मदद होगी। तो पहली जो चीज़ है वो है नरेंद्र मोदी जी रोज़ जो है वो योगा करते हैं, उसी के साथ हल्की एक्सरसाइज करते हैं और जो है वो वॉक करते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि डेली 30 मिनट का वॉक हमारे फिटनेस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, योगा कितना इम्पॉर्टेंट है, और जितनी भी आपकी एज के अनुसार जितनी आप हल्की एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज अगर करते हैं तो वो आपके फिटनेस में चार चांद लगा देता है, आपका इम्यूनिटी भी बढ़ा देता है और आपका फिटनेस भी बढ़ा देता है। तो नरेंद्र मोदी जी अपने लाइफ में पहली जो चीज़ है कि योगा, उसी के साथ हल्की फिजिकल एक्सरसाइज और तीसरी वॉक करना, ये डेली फॉलो करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा उनका होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन में जो मानसिक स्तर है वो बहुत ऊंचे लेवल का बन जाता है, कोई भी डिसीजन लेने की पावर या कोई भी चीज़ जो होती है जो मानसिक लेवल की होती है वो भी बहुत बेहतरीन हो जाती है, और मेडिटेशन भी नरेंद्र मोदी जी डेली करते हैं। अगर हम बात करें हमारे लाइफ की, तो अगर हम भी रोज़ मेडिटेशन करें तो हम भी हमारे लाइफ में जो है वो हमारी भी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, और हमारी लाइफ भी एक नए ऊंचाई तक जाने के लिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। तीसरी जो चीज़ है वो है संतुलित आहार। नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन में एक संतुलित आहार लेते हैं, वो बिल्कुल शाकाहारी भोजन करते हैं। देखिए, संतुलित आहार हम हमारे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आज की जो ज़िंदगी है वो बहुत भागदौड़ की है, और इसकी वजह से हम पिज़्ज़ा बर्गर जो लोग खाते हैं तो उससे हमारी लाइफस्टाइल भी ख़राब हो रही है, लाइफस्टाइल की वजह से हमारी जो हेल्थ है वो भी इम्पैक्ट हो रही है। तो हम जो है वो अगर देखिए डेली अगर कोई इंसान एक बादाम, एक मनु का एक एक दो मनु के एक दो पिस्ता, अखरोट, थोड़ा अंजीर, थोड़ा खजूर, ये अगर मिला के अगर रात को भिगो के रखता है और सवेरे खाता है तो इससे सारे न्यूट्रिएंट जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को मिल जाते हैं, तो एक संतुलित ये भी मिल जाता है। और जो फ्रूट्स है, फलों का सेवन है, हरी सब्जियां हैं, इनका भी सेवन अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में हेल्थ से रिलेटेड बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। चौथी बात जो है वो है उनका सकारात्मक दृष्टिकोण। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी से जो भी मिलता है वो यही बोलेगा आपको कि उनका जो देखने का नज़रिया है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, उनका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, और उनके साथ जो लोग, यानी अगर आप नरेंद्र मोदी जी की स्पीच भी देखोगे तो आपको उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई देगा। अगर हम हमारे जीवन में ऐसा ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। कोई भी चीज़ को अगर हम पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारे नए बदलाव आने की जो है वो संभावना होती है। और पांचवा जो पॉइंट है वो प्रकृति से जुड़ाव। आपने कई बार देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी प्रकृति के करीब चले जाते हैं, प्रकृति के साथ कुछ वक्त गुजारते हैं। उससे क्या होता है, उससे आपका जो मानसिक लेवल है वो भी सुधारने के लिए मदद होती है, और आप प्रकृति के पास जैसे ही जाते हैं तो आपके बॉडी में एक बैलेंस आ जाता है, आप एक खुशी महसूस करते हैं, सारी चीज़ें वो अगर हम जो है वो भी अगर हम फॉलो करते हैं, हम भी नेचर के साथ जब भी आपको मौका मिले, कभी पहाड़ पे चले जाइए, कभी नदी के किनारे चले जाइए, तो नेचर के पास प्रकृति के अगर हम जुड़ाव उससे अगर कनेक्ट रहे तो हमारा लाइफ भी जो है वो बहुत चेंज हो सकता है। क्योंकि जो भी लोग प्रकृति से जुड़ते हैं, जब भी आपको छुट्टी मिलती है तो प्रकृति के पास जाने की कोशिश कीजिए। अगर हम ये भी फॉलो करते हैं तो हम हमारे जीवन में एक बढ़िया रूपांतरण जो है वो लेके आ सकते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी की जो पांच आदतें हैं वो बताने की आपको कोशिश की, और ये आदतें अगर हम हमारे लाइफ में भी अगर इन्वॉल्व करते हैं तो हमारी लाइफ भी एक नए ऊंचाई तक जाने के लिए बहुत मदद होगी। वीडियो हेल्पफुल रहा एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों की लोगों को भी शेयर करना, चैनल पर नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।